एजुकेशन ब्रिज में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में अध्ययन किया, अब हम लोग देखेंगे बहुपद मीन्स पॉलीनोमियल। चूंकि पॉलीनोमियल का यह पहला क्लास है और किसी भी सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन करने के लिए उसका बेसिक कंसेप्शन अति आवश्यक हो जाता है, तो बहुपद को डिफाइन करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बीजीय व्यंजक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम समझें इसके लिए तो अनिवार्य है कि हम चर और अचर के बारे में जानें, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बारे में जानें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। हालांकि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बारे में 8th क्लास 7th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा, 9th क्लास में भी आपने वेरिएबल नॉन वेरिएबल के बारे में जानकारी प्राप्त की और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। लेकिन एक बार पुनः हम उसको याद दिलाना चाहेंगे। तो बीजगणित में हम दो प्रकार की राशियों पर विचार करते हैं। वी कम अक्रॉस अलजेब्रा टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज वेरिएबल क्वांटिटी एंड नॉन वेरिएबल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम यह देखें वेरिएबल क्वांटिटी चर राशि। वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोग केवल वेरिएबल बोल दिया करते हैं और नॉन वेरिएबल क्वांटिटी को अक्सर हम लोग नॉन वेरिएबल बोल देते हैं, मीन्स चर और अचर बोल दिया करते हैं। तो यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी, तो वेरिएबल क्वांटिटी यानी चर राशि, चर शब्द के नाम से ही स्पष्ट है, चर उसको बोलते हैं जो चलता है। चर मीन्स चलने वाला, भैरी करने वाला, बिल्कुल वैसे जैसे पक्षियों के लिए हम लोग बोल देते हैं नभचर यानी आकाश में विचरण करने वाला। तो चर का शाब्दिक अर्थ ही होता है चलने वाला। तो फिर यहां मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में चर शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर हम लोग विचार करें। वह संकेत जिसका भिन्न भिन्न आंकिक मान होता है उसे चर राशि अथवा चर कहा जाता है। ए सिंबल व्हिच हैज डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड ए वेरिएबल क्वांटिटी और सिंपली वेरिएबल। ए सिंबल व्हिच हैज डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड ए वेरिएबल क्वांटिटी। ए सिंबल विच हैज डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड ए वेरिएबल क्वांटिटी, मीन्स जिस संकेत का भिन्न भिन्न आंकिक मान होता है उसे चर राशि कहा जाता है। अब
यदि हम नॉन वेरिएबल पर विचार करें नॉन वेरिएबल क्वांटिटी मीन्स अचर राशि या केवल नॉन वेरिएबल बोल देते हैं या इसको बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी तो ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड नॉन वेरिएबल क्वांटिटी और कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी या सिंपली हम लोग इसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं जिस संकेत का एक निश्चित आंकिक मान होता है उससे अचर राशि या सिंपली अचर कहा जाता है। अचर अमीन्स नहीं, जो चर नहीं है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल मीन्स नॉन मीन्स नॉट, नॉट वेरिएबल। तो चर और अचर, जो नहीं चलने वाला है वो अचर है और जो चलने वाला है वो चर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, तो इस व्यंजक में आपको तीन संकेत है एक्स वाई और सिक्स, क्लियर है? ये तीनों सिंबल्स यानी संख्या छ को दर्शाने के लिए यह संकेत है और ये इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स एक्स और वाई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस संकेत का मान तो निश्चित है, इसका मान तो कभी बदलेगा नहीं, यह हमेशा संख्या छह को व्यक्त करेगा, लेकिन एक्स और वाई का मान यहां बदलेगा। क्योंकि यदि हम एक्स बराबर दो रख दें, वाई बराबर चार रख दें, तो एक्स प्लस वाई सिक्स हो जाएगा। अगर x बराबर तीन रख दें, y बराबर तीन रख दें, तो भी x प्लस वाई सिक्स हो जाएगा। अगर x बराबर चार रख दें, y बराबर दो रख दें, तो भी x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। यदि x इक्वल टू नाइन, y इक्वल टू माइनस सिक्स रख दें, तो भी x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। इस तरह से एक्स और वाई के अनकाउंटेबल न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे जिनसे यह समीकरण संतुष्ट होगा, मीन्स एक्स और वाई के भिन्न भिन्न आंकिक मान होंगे। तो इस एक्सप्रेशन में एक्स और वाई वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, जबकि यह सिक्स अचर राशि है, कॉन्स्टेंट। विद्यार्थी जनरली
कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, उनके दिमाग में एक गलत संदेश चला जाता है। वे सोचते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर होता है ना, वह वेरिएबल होता है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा भूल करके भी आप नहीं सोचेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है तो वेरिएबल है, ऐसा नहीं है। वह नॉन वेरिएबल भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे हमने ले स्मॉल जी और कैपिटल जी, तो स्मॉल जी इज रिटेन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स जी इज रिटेन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण के लिए स्मॉल जी का इस्तेमाल करते हैं सिंबल के रूप में, और कैपिटल जी का इस्तेमाल हम ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के लिए करते हैं। तो स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर अथवा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है, तो यहां जी वेरिएबल हो जाता है। जबकि कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के लिए सिंबल लिया जाता है, यह कभी भी नहीं बदलता है, यह हमेशा नियत रहता है। जी का मान, कैपिटल जी का मान किसने मापा, कहां मापा, कब मापा, किस तरह मापा, इस पर निर्भर नहीं करता। पूरे यूनिवर्स के लिए सेम वैल्यू आता है और इसलिए उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग से यह बात अलग हो जानी चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर जो होता है सिंबल के लिए वेरिएबल होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। बस दिमाग में एक ही बात रखेंगे, जिस सिंबल का डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा वो वेरिएबल होगा, और जिसका एक स्थिर आंकिक मान होगा, मीन्स फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो कॉन्स्टेंट होगा। अब हम लोग विचार करेंगे बीजीय व्यंजक, क्योंकि जब तक हम बीजीय व्यंजक नहीं समझेंगे बहुपद की परिभाषा समझने में परेशानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीजीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जैसा कि गणित में चार मौलिक संक्रियाएं हैं, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी बेसिक ऑपरेशंस, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा है कि गणित की मौलिक संक्रियाओं जोड़ घटाव गुणा और भाग के चिन्हों द्वारा जुड़े हुए चर और अचर राशियों के कॉम्बिनेशन को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। यानी गणित की मौलिक संक्रियाओं जो घटाव गुना और भाग के चिन्हों द्वारा जुड़े चर और अचर राशियों की कॉम्बिनेशन को बीजीय व्यंजक कहा जाता है।
गणित की मौलिक संक्रियाओं जोड़ घटाव गुना और भाग के चिन्हों द्वारा जुड़े चर और अचर राशियों के कम्बिनेशन को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। एक कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल कनेक्टेड बाय साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल कनेक्टेड बाय साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्पष्ट है फंडामेंटल ऑपरेशंस के साइन प्लस माइनस साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड साइन ऑफ डिवीजन ये फोर ऑपरेशंस के साइन हैं। इन्हीं के द्वारा कनेक्ट होंगे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, एक दूसरे से जुड़ेंगे। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 5 कांस्टेंट क्वांटिटी मींस नॉन वेरिएबल और x एक वेरिएबल क्वांटिटी लेते हैं और दोनों को कनेक्ट करते हैं साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे फिर बनेगा 5x। तो इस तरह से वेरिएबल x और नॉन वेरिएबल 5 आपस में साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कनेक्ट हो गए हैं, गुना के चिन्ह के द्वारा जुड़ गए हैं। तो परिभाषा के अनुसार यह एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर अगर ले लें यही x वेरिएबल क्वांटिटी और 5 नॉन वेरिएबल क्वांटिटी अगर प्लस साइन से कनेक्ट हो जाए तो फिर x प्लस 5 यह भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। फिर अगर माइनस साइन से कनेक्ट हो जाए तो यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। साइन ऑफ डिवीजन से कनेक्ट हो जाए तो यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x डिवाइडेड बाई 5 इट मे बी रिटन एज x अपॉन 5, यह भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, केवल प्लस और माइनस के चिन्ह द्वारा अलग होते हैं। मीन्स टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन ओनली, यानी केवल प्लस और माइनस साइन से अलग होंगे, गुना और भाग के चिन्ह से अलग नहीं होते हैं। जैसे इसमें केवल एक पद है, 5 और x के बीच में जो गुना का चिन्ह है, गुना के चिन्ह से पद अलग नहीं होते बल्कि यह एक पद है। और इस बीजीय व्यंजक में दो पद होंगे और इसमें भी दो पद होंगे। अगर इसी तरह से हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो इसमें तीन पद है, इस व्यंजक में तीन पद हैं। यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। तो मेरे ख्याल से
द्विजीय व्यंजक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और द्विजीय व्यंजक समझते हैं तो निश्चित रूप से अब बहुपद समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक बात मैं भूल ही रहा था, आप यह भी याद रखेंगे, एवरी रियल नंबर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक द्विजीय व्यंजक। इट इज सो बिकॉज फाइव मे बी रिटन एज फाइव इंटू वन, दिस इज इक्वल टू फाइव इंटू एक्स टू द पावर जीरो, दिस इज इक्वल टू फाइव एक्स टू द पावर जीरो इज इक्वल टू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर आप प्रश्न एराइज कर सकते थे कि जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है तो इसमें वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, नहीं है, इसमें भी वेरिएबल है। देखिए यहां वेरिएबल क्वांटिटी x आ चुका है, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू वन, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर जीरो, 1 के लिए एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर जीरो होने की स्थिति में उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 के बदले में तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 5 एक्स टू द पावर जीरो मीन्स यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह से प्रत्येक वास्तविक संख्या एक बीजीय व्यंजक है, मीन्स एवरी रियल नंबर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग आ जाए अपने विषय वस्तु पर, यानी बहुपद पर, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है एक्सप्लेन करना है पॉलिनोमियल को कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल बहुपद जिस बीजीय व्यंजक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चर यानी वेरिएबल का घात पावर और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक मीन्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स, और मीन्स नहीं मीन्स जो ऋणात्मक नहीं हो, इंटीजर्स मीन्स जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इधर हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, इधर हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अगर और ऋणात्मक पूर्णांक मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 भी शामिल हो जाता है। अगर जीरो को शामिल नहीं करना होता तो पॉजिटिव इंटीजर बोला जा सकता था और वन से ले लेते, लेकिन यहां और ऋणात्मक पूर्णांक की बात हो रही है तो और ऋणात्मक पूर्णांक में जीरो भी शामिल हो जाएगा, और ऋणात्मक पूर्णांक में 0 1 2 3 4। इट मीन्स दैट नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो जब कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक की बात हो तो हमें समझ जाना चाहिए पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। तो जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक नॉन निगेटिव इंटीजर्स, हो उसे बहुपद कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बीजीय व्यंजक a0 प्लस a1x प्लस
ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन के रूप में हो तो उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाएगा, अर्थात जो बीजीय व्यंजक जो बीजीय व्यंजक ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन के रूप में हो उसे बहुपद कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है, जहां ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो तथा एन और ऋणात्मक पूर्णांक हो। इसका मतलब कि एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एन एक और ऋणात्मक पूर्णांक हो। यहां पर कंडीशन लगा हुआ है कि एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा इसलिए कि अगर एन जीरो हो जाएगा तो यह टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर इसका कोई अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि यहीं तक व्यंजक होगा। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कंफर्म हो, उस ख्याल से यहां कहा जा रहा है कि एन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुपद के घात पर निर्भर करेगा कि उस बहुपद का घात कितना है, और एन और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जैसा कि परिभाषा में है चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब हुआ एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब कभी भी विद्यार्थी बीजीय व्यंजक के इस रूप को देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपका यहां कंफ्यूजन दूर कर देना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम ले रहे हैं 5 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यू प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 5, ऐसे हम ले रहे हैं। तो यहां ए जीरो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, मीन्स फिक्स्ड है, नॉन वेरिएबल है, 5 ए जीरो के लिए, ए वन की जगह 3 और एक्स, ए टू की जगह 4 एक्स स्क्वायर, ए थ्री की जगह 6 एक्स क्यू, और इसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है। अब यहां इस बहुपद का घात जो है 5 है, और इसीलिए यह टर्म जीरो नहीं होने के लिए कंडीशन लगाया गया था, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ए वन ए टू ए थ्री ए फोर का मतलब क्या हुआ, यहां ए वन ए टू ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री वास्तविक संख्याएं हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, और
A0, A1, A2, A3 and so on belongs to R, means वास्तविक संख्याएं हैं. A0, A1, A2, A3 and so on, An coefficient गुणांक कहा जाता है. तथा A0 A1x A2x2 A3x3 and so on बहुपद के पद कहलाते हैं. जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि बीजीय व्यंजक के पद केवल प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से बहुपद के पद भी केवल प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग होते हैं. जैसे A0 बहुपद का पद हुआ, A1x बहुपद का पद हुआ, A2x2 बहुपद का पद हुआ, यह भी बहुपद का पद है, यह भी बहुपद का पद है, यह भी बहुपद का पद है और यह भी बहुपद का पद है और आगे भी बहुपद के पद होंगे. और बहुपद के जो पद हैं यानी कि टर्म्स हैं वे केवल प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग होंगे, गुणा और भाग के चिन्ह से नहीं, बिल्कुल बीजीय व्यंजक की तरह. तो मेरे ख्याल से बहुपद समझ गए होंगे. अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और उसका अगला फंक्शन क्या है, ये देखने का प्रयास करेंगे. जय हिंद.